हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोग से कि आप भी जैसे दिल्ली से बिजनेस करना चाहते हो, आप भी कपड़ा का होलसेल बिजनेस करना चाहते हो, वो होलसेल में लेना चाहते हो, आप भी अपने गांव शहर में अपने देहात में कपड़ा का व्यापार करना चाहते हो, आप भी बिजनेस करना चाहते हो, आप भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो ना दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैं आज उस चीज को बताने वाला हूँ कि आप भी जैसे कपड़ा का व्यापार करते हो तो किस किस मार्केट से दिल्ली से ले सकते हो। दोस्तों, जैसे कि मैं तीन मार्केट का आज नाम बताने वाला हूं कि कहां से किस तरीका से ले सकते हो एक अच्छे पर्सनालिटी अच्छी क्वालिटी के साथ में। जैसे कि दोस्तों, आज देखा होगा आज के जमाना में कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट होता है या हर चीज, तो लोग जैसे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से लेकर आते हैं एक अच्छे लेवल पर, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस करते हैं बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो आप भी समझ सकते हो कि किस तरीका से हमें बिजनेस करना चाहिए, किस तरीका से हमें भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को तीन मार्केट की आज नाम बताने वाला हूं दिल्ली में, जो आपके दिल्ली के अंदर जो मार्केट है उसी का। जैसे कि दोस्तों, सबसे नंबर एक पर जैसे आप ओल्ड कपड़ा लेना चाहते हो, रिजेक्ट कपड़ा लेना चाहते हो, कोई भी जैसे कटा फटा या कोई रिजेक्ट माल, सेकंड हैंड कपड़ा लेना चाहते हो कम से कम प्राइस में, जो 500 का है कपड़ा, वो आप सिर्फ 20 रुपये, 30 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में लेना चाहते हो, तो दोस्तों आपके लिए ना ये आजाद मार्केट सबसे अच्छी मार्केट है, जहां पर आप लोग को कम से कम प्राइस में वहां पे कपड़ा मिल जाता है, एक आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आप देखते होंगे अपने गाँव शहर आसपास में कि 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में एसएल लगाते हैं। कोई भी छाटो बिनो लेकर जाओ तो वो जो कपड़ा देखा जाए एक मायने से, तो वो वही का होता है, आजाद मार्केट दिल्ली का, वहीं से लेकर आते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, अच्छा इनकम करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। वहां पे जैसे कि 7 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये में भी मिल जाता है, जो छोटे बच्चे का होता है वो आप अपने मार्केट में बेच सकते हो 30 रुपये, 35 रुपये आराम से, उसमें कोई भी दिक्कत हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी मार्केट की बात कर लिया जाए तो दोस्तों, जैसे कि आप लेगी, कुर्ती, टॉप, प्लाजो या अन्य चीज आप लेना चाहते हो ना, तो आपके लिए सबसे अच्छा बेहतर जो मार्केट है वो गांधीनगर मार्केट है, जो सबसे अच्छी मार्केट है। दोस्तों, वहां पे आप जैसे लेने जाते हो तो बहुत ही अच्छे भरमार चारों के चारों ओर वहां पे कपड़ा का ही बिजनेस होता है। वहां पे जैसे लहंगी, कुर्ती, टॉप, प्लाजो या अन्य चीज का सबसे ज्यादा वहां पे मिलता है। दोस्तों, जैसे कि वहां पे जो रिजेक्ट माल होता है ना, वो नहीं वहां पे मिलता है, वहां पे सिर्फ सिर्फ फ्रेश माल मिलता है, जो एक अच्छे क्वांटिटी में एक अच्छे लेवल पे मिलता है, वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, तो इसलिए सबसे अच्छा वहां पे प्रोडक्ट मिलता है, आप भी सोच सकते हो। तो तीसरी जो मार्केट है ना, वो चांदनी चौक है, जहां पर आप लोग को जैसे लगी, कुर्ती, टॉप, प्लाजो, दुपट्टा या हर चीज वहाँ पे भी एक अच्छे लेवल पर मिल जाता है। तो आप लोग जैसे कि बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप भी देरी मत करिएगा, जाकर और अपना बिजनेस को स्टार्ट कर। दोस्तों, मैंने तीन मार्केट का जानकारी आपको दिया। जैसे कि दोस्तों, आपको पहला जो मार्केट है आजाद मार्केट, जहाँ पर आपको ओल्ड मिलेगा, वहां पे जैसे कि दोस्तों आप लोग को शर्ट, टी शर्ट, जींस, लोवर, टी शर्ट, ये सब बहुत ही सारे क्वांटिटी में आप लोग को मिल जाता है बहुत ही अच्छी तरीका से। तो आपको देरी नहीं करना है, आप भी जाइएगा और लेकर आइएगा, अपना बिजनेस को ना बहुत ही अच्छे तरीका से बढ़ा सकते हो, बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो घर बैठे। आजाद मार्केट, गांधीनगर मार्केट, चांदनी चौक, इस तीन मार्केट में आप कभी भी जाते हो तो बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग को वहां का जो प्रोडक्ट है, जैसे वहां से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा होलसेलर मार्केट जैसे कि दोस्तों है वहां। आप भी जैसे माल मंगाना चाहते हो, आप भी जो प्रोडक्ट है उसे मंगाना चाहते हो, तो वीडियो के थ्रू ही जाइएगा, क्योंकि जो बीच में जो कमीशन बाजी उनसे मुलाकात ना हो। जैसे कि दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कोई भी जरूरत होगी तो हमारे वीडियो पर कमेंट करिएगा, हम उसका एड्रेस, फोन नंबर या हर चीज आप लोग के साथ में मुहैया करवा दूंगा दोस्तों, जिससे आपका बिजनेस जो है बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि यह हमारा छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे अन्य वीडियो को लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।